पूछना चाहता हूं, ये रमन सिंह के बेटा अभिषेक सिंह पनामा पेपर लीक में नाम आए हैं, एक बार शिकायत हुआ है, ये रमन सिंह और अभिषेक सिंह बीना सिंह 6,000 करोड़ रुपया छत्तीसगढ़ के जनता के लुटवा दी चीट फंड कंपनी से, ये नंद कुमार निषाद खड़े है, ये खड़े है एजेंट मोरा, एक रमन सिंह लुटवाई रमन सिंह, आज हम के पैसा वापस करावो। बात को जोर जोर से बोल देने से, डाइवर्ट करने से काम नहीं चलेगा, जवाब आपको देना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ की जनता जाती है कि आज कोरबा में 25 रुपया प्रति टन से कोयले की जो नकदी पैसा इकट्ठा होता है वो कहाँ जाता है, रेत की अवैध कमाई का पैसा कहाँ जाता है, शराब की अवैध बिक्री का हिसाब कौन देखता है। डाइवर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, डाइवर्ट मत करिए। आप बताइए उन बातों को जो छत्तीसगढ़ की जनता आपसे पूछना चाहती है, और बार बार ये सवाल लोगों के सामने उठेंगे, आप ये भ्रम करने की स्थिति को छोड़िए। मैं दावे के साथ कहता हूँ, किसी मामले में अगस्ता से लेकर चिट फंड से लेकर अन्य मामले में एक रुपये का भी कोई प्रमाण आप इकट्ठा कर लें, डॉक्टर रमन सार्वजनिक जीवन से इस्तीफा देने को तैयार है। मगर आप इसके लिए भी तैयार रहें, आईटी के बाद ईडी आता है, ईडी आया, ये भय दिखा आपके मन में कायम है, मगर सच्चाई तो छत्तीसगढ़ की जनता के सामने आएगी, इस तथ्य को छुपा नहीं सकते। मैं आपको एक प्रश्न और करना चाहूँगा कि आप बोलते हैं कि सोनिया जी का ईडी के सामने बयान सार्वजनिक रूप से होना चाहिए, मीडिया को रहना चाहिए। आपसे मैं प्रश्न पूछता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने में ईडी के द्वारा जमा किया हुआ वो चैटिंग का रिपोर्ट जमा है, क्या आप सुप्रीम कोर्ट से आग्रह करेंगे कि वो जो चैटिंग का रिपोर्ट ईडी ने जमा किया है उसको सार्वजनिक कर दिया जाए? यदि हिम्मत है तो इस बात का निश्चित रूप से जनता को जवाब चाहिए, और बातों को इधर उधर करने की ज़रूरत नहीं है। आज छत्तीसगढ़ की जनता पूरी तरीके से जान गई है कि क्या हालात हैं सरकार के। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।